أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. अच्छा, कल हम पढ़ रहे थे, कल हमने जो शुरू किया था टॉपिक वो था तवाबे अका, है ना जी? तवाबे का क्या मतलब था शबाना? ये मतलब जो अपने से पहले आने वाले इस्म के ताबिया होते हैं. ताबे की जमा है तवाबे, अपने से पहले वाले इस्म को ताबे उनकी इत्तबा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके अराब को. ठीक है, तो कितनी तरह के थे? वो चार तरह के थे. हाँ जी. नंबर वन था नात जो है, ठीक है, क्योंकि वो अपने मनऊत को फॉलो करता है. नात और तौकीद किए थे जी. नात और फिर तौकीद का क्या था कि, और मैंने बताया था कि तौकीद कितनी तरह से आता है? दो तरह से. एक तो कुल लगा के आता है, कुल्लू या कुल्ला, कुल्ली, राइट? कुल्ला का लफ्ज जब आता है तो वो तौकीद के लिए होता है. और दूसरा यानी उसकी तकरार करके. जैसे यानी अकल तू अकलन, मैंने बहुत खाया. ठीक है, तो यानी तकरार, उसी इस्म की तकरार करके वो भी तौकीद होता है, कुल्लू करके या उस इस्म की तकरार करके. उसके बाद हमने देखा था नंबर तीन अल अत्फ. ठीक है, अत्फ. और हमने देखा था कि ये वाओ से होता है अत्फ, और जिस पर वो अत्फ होता है उसको मातूफ अलैह कहते हैं. और इसमें भी जो मात यानी उसके अराब वही होते हैं जो मातूफ अलैह के होते हैं. क्लियर है यहाँ तक? आगे चले हम जी. शबाना जी जी, ठीक है, आगे चले जी जी. इसका तो कर लिया था ना, थका भाव वाले. हाँ जी, अच्छे से कर. बदल है ना नंबर चार, अल बदल. अल बदल जो है बताएंगी क्या है? इसका तो यही समझ में आता है जो किसी के बदल में आए. हाँ जी बिल्कुल, यानी उसी का कह लो कि एक्सप्लेनेशन होती है. जैसे मिसाल अगर हम देखें तो फिर समझ आएगी. अ नजह अ क्या ना, अ क्या नजह कामयाब हुआ अखू का तेरा भाई हाशिम हाशिम, क्या तेरा भाई हाशिम कामयाब हुआ? तो अब जो उसने निजात पाई, तो इसमें अब जो अखू का है यानी उसी का जो बदल है वो हाशिम है. यानी तेरा भाई हाशिम, चाहे तेरा भाई कर दे या हाशिम कर दे, एक ही बात है ना? यानी उसी का नाम है वो. तो जो अखू हालत रफा में है तो वो हाशिम भी हालत रफा में होगा. ठीक है, इसी तरह आरिफ मैं जानता हूँ अखा का तेरे भाई को, यह हालत नसब की मिसाल है, मैं तेरे भाई को पहचानती हूँ. अखा का, अखा हालत नसब में है, जो उसका बदल है हाशिमन वो भी हालत नसब में है. ऐना गुरफतु अखी का, तेरे भाई का गुरफा, तेरे भाई का कमरा कहाँ है? यहाँ पे जो उसके आगे वाली है ये अनजहाहु का हाशिमुन अनजहा हाजत, इसमें ये सवालिया भी है ना दोनों? कौन सा सवालिया भी है ना ये जुमले दोनों? क्या कामयाब हुआ मेरा भाई हाशिम, क्या कामयाब हुआ ये मतलब स्टूडेंट? जी, सवालिया ही है ना वो. ठीक, यानी जो बदल होते हैं वो सवालिया भी होते हैं ना? हाँ, वो तो मतलब किसी भी तरह जुमला हो सकता है ना. असल में तो बदल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अखू का और हाशिम से हमें पता चल रहा है. तेरा हाँ. भाई हाशिम, यानी अखू को हम हाशिम से बदल सकते हैं. हाँ. यानी वो अखू का ही नाम हाशिम है. ठीक है जी जी, यानी वो अखू का भी वही मतलब है, नाम नहीं भी लेंगे, अखू का भी कहेंगे लेकिन
हाँ, हाशिम लेकिन नाम अगर भी हाँ अरे बिल्कुल, उसका। हाशिम जो है वो उसका उसी से वो, जैसे बना तू शेख इन बिलाल, शेख अरे बिलाल की बेटियां, तो वो शेख खाली कहने तब भी उसकी बेटियां, शेख का भी मतलब वो शख्स ही है और बिलाल जी उसका नाम है, उसका भी मतलब वही शख्स है। समझ गए, अभी समझ में आ गया तो आगे चलें फिर अफाल में। जी। ये अभी तक तो हम अभी तक किसकी बात कर रहे थे हम, ये अस्मा की बात चल रही थी, ठीक है। हाँ जी अस्मा में उसकी हम मुख्तलिफ हालतें देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं फिल अफाल। अफाल में यानी वर्ब्स में अब हम दाखिल हो गए। अब वर्ब्स में भी अल मुअरब वल मबनी मिन अल अफाल, यानी अफाल में भी कुछ मुअरब होते हैं और कुछ मबनी होते हैं। अल फिअलुल मादी व फिअलुल अम्र मबनियानी, फेले मावी और फेले अमर मबनी होते हैं दोनों, मबनी यानी तस्निया का सीखा है, दोनों मबनी होते हैं, ठीक है। शबाना समझ आ रही है आपको कैसे फेले मावी मबनी होता है? जी। एक मिनट मैं हाँ लिख लूँ, थोड़ा लिख रही थी मैं। हाँ जी। फेले मावी मबनी होता है कैसे? मरफू होता है ना, मरफू होता है फेले मादी, अच्छा कैसे मरफू होता है? और मरफू का क्या मतलब है? फेले रफाती है ना उसपे। माजी पे मिसाल देके बताएं। एक मिनट मुझे ये जरा। जी फेले माजी फेले अमर मबनी मबनियान, यानी मबनी होते हैं ना ये, अराब मबनी का क्या मतलब है शबाना? वाले होते हैं, जिस पे अराब होता है वो, जिन पे अराब होता है वो मौरब होते हैं, और जो अल्फाज से बदलते हैं वो मबनी होते हैं। नजमा आप बताएं मुअरब और मबनी का क्या मतलब है? दमायर होते हैं ना, जिसमें दमायर जिसमें हो, जैसे हमने पढ़ा आवाज नहीं आ रही आपकी। नजमा आपको आवाज आ रही है? शायद इसके मेरा अराब इंटरनेट बिल हरूफ है, जो हरूफ जो जो अराब बिल हरूफ होते हैं वो हरूफ से जाहिर होते हैं, ये फरैया उसमें पड़े हैं ना। मेरा सिंपल सा सवाल है कि मौरव क्या होते हैं और मबनी क्या होते हैं? जी नजमा आप मौरब बताएंगी? होते हैं जो जो अराब से, जो अराब से पहचाने जाते हैं, एराब क्या होता है? पता है मारब एराब, यही मरफू मंसूब मरजू मजरूर, या ये जो रफा ये पढ़ते हैं हम, जी यानी उनकी हालतें, ठीक है। दम्मा कसरा, तो ये अराब है ना। अच्छा और मबनी क्या होते हैं? मबनी मबनी नजमा आप बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इसमें जो इन्होंने मौरब और मबनी मिन अलफाली का दिया है, तो अलफेल माजी नहीं और सिर्फ फेले सिर्फ अमर, पहले ये बताएं कि मुअरब और मबनी होते क्या हैं, ठीक अल्फाज है। हैं ये, इनका क्या मतलब है? ये अफाल में तो मबनी बाद में जाएंगे। इनका के जो है वो चेंज नहीं होता, इनका इराब जी चेंज नहीं होता। जैसे कि फ़ाला पहला सीगा और अमर का यानी मबनी अला सुकून होता है, और मौरब सॉरी सॉरी उनके जो है मबनी ना, अल मबनी का अराब नहीं बदलता है ना। ये जी जी अमर की मैं बात बता रही हूँ, अमर का, हाँ अमर जो होता है वो मबनी अला सुकून होता है, और जो है ये मौरब जो होते हैं उनकी जो है वो चेंज होती रहती है। जी बिल्कुल। बेसिकली मुअरब का मतलब है जिनकी एराबी हालतें बदलती हैं, यानी अगर हालत नस्ब में है तो किसी और वो हरकत से शो होगा, हालत नस्ब में है, हालत जर में है, रफा में है, तो उनकी हरकत डिफरेंट होंगी, वो डिफरेंट यानी हरकत से उनकी हालतें नजर आ रही होंगी, वो मुअरब होंगे। लेकिन जो हर हालत में, हालत रफा नस्ब जर तो होगा लेकिन वो हरकत उनकी बदलती नहीं है, वो मबनी होते हैं, ठीक है। जैसे आप कह रही थी फतहा कसरा दम्मा, या जैसे आप कह रही हैं कि यानी वो हालत नसब जर रफा, तो वो तो होते हैं मबनी हो मुअरब हो, होते हैं, जाहिर हालत तो कोई ना कोई होगी ना, फेल की या इस्म की हालत तो लाजिम होगी। अगर वो हालतें बदलती रहे यानी हालत रफा में कुछ और हरकत हैं, हालत नसब में और हैं, हालत जर में और हैं, डिफरेंट हैं, बदल रही हैं, तो फिर वो मुअरब कहलाते हैं, नहीं बदल रही तो मबनी कहलाते हैं।
शमाना आपका आधा जवाब ठीक था लेकिन आप अच्छे से उसको बता नहीं पा रही थी। वो हैरत रफा नसब जर तो होगा, सिर्फ उसको मौरब नहीं कहते, वो अपनी हालतों में अगर रफा है तो किसी और हरकत से नजर आ रहा हो, जर है तो किसी और हरकत से नजर आ रहा हो, ठीक है, फतह है तो ये किसी और से। जी नौरीन, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी हाँ, आपने मुझे बार बार क्यों सॉरी म्यूट सॉरी करी, सॉरी अनम्यूट। जी अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि मौरब जो होता है उसमें कसरा फतह लगाया जाता है, और हालत उसकी जो भी हो वो बाद में देखें, लेकिन अगर मौरब और उसमें देखें हम क्या कहते हैं इसको, मबनी में, तो मबनी में कसरा फतह लगता ही नहीं है। जी हादा, अब चाहे आप वो कुछ भी ऐसे ही कर लें रहेगा। उसमें जी उसमें आपने कभी लगाना ही नहीं है, ना कसरा आएगा ना फतह ना जी दम्मा। बिल्कुल, इसी तरह हुआ है, इसी तरीके से तो, और जो सारे जमाएं हाउलाई है तकरीबन हुन्ना है सारे, तकरीबन। हाँ, या जिस तरह मूसा है, या जिस तरह से हमने पढ़ा था मुस्तशफा है, तो जी ये बिल्कुल जो कसरा, वो जो कौन से होते हैं, मकसूर जो होते हैं, जो अस्माए मकसूरा होते हैं, वो भी सारे के सारे इसीलिए मबनी होते हैं कि उसपे कहने को तो वो लगी होती है छोटी अलीफ, लेकिन उसपे असल में कोई एराब नहीं लगा होता, और वो लेकिन हमेशा हर हाल में उस तरह रहेंगे। जी नौरीन, एक मैं बात की यहाँ पे ना करेक्शन कर दूं या एडिशन कर दूं, आप एराब समझ से तुम लें। कह रही होगी? हाँ, एराब से देखिए कह जब रही हम थी। कहते हैं ना, जी, देखिए हाँ, जब हम कहते हैं ना हालत हरकत रफा, हरकत उसका मतलब है हरकत। उसकी हालत, नौरीन उसकी हालत, और हाँ हालत का मतलब है कि वो इस्म क्या फाइल है या मफ़ऊल है या इजाफी हालत में है। ये सारे भी जैसे आपने मिसालें दी मुस्तशफा, और आपने कहा काबी, और आपने कहा कि हुआ हम, ये भी यानी इनकी हालत होती है, लेकिन वो हरकत के जरिए शो हो रही है कि नहीं हो रही, बस ये बात है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, थोड़ी सी मैं इसको चलो खुद ही रिफ्रेश करती हूँ हाँ कि हाँ जो मबनी होते हैं उस पे कभी कोई हरकत नहीं होती, हाँ यानी और जो हालात, हालत के बदलने से, हालत रफा नसब जर के बदलने से उनकी हरकत नहीं बदलती, वो वैसे के हाँ वैसे उसपे ही रहते हैं। हरकत नहीं, हाँ बिल्कुल वैसे ही हाँ, रहती हैं। क्योंकि शबाना और शायद कंफ्यूज हो रही थी, वो कह हाँ रही थी कि वो हालत रफा नसब जर में होते हैं, वो तो सब नहीं, मैं होते समझ हैं। गई थी, वो जी हरकत का ही मसला, वो जो है ना बिल्कुल उसी में वो बिल्कुल फंसी हुई है। सही मुझे भी देर सही से बात समझ आई शबाना, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा तो ठीक है, यानी मुख्तलिफ हालात में, हालत रफा में, नसब में, जर में, वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं, वो मबनी होते हैं, और जो मोरब होते हैं वो हालत के बदलने से उनमें हरकत या हरूफ की तब्दीली आती है। अब ये भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जो यानी हालत रफा नसब जर है ना, कुछ अस्मा में या कुछ अफाल में वो हरकत के जरिए शो होती है, और कुछ में हरूफ के जरिए शो होती है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। मोस्टली जी तस्निया में और जमा में, जमा सालिम जी में वो हरूफ से शो हो रही होती है हालत, क्या हालत है रफा नसब जर, और वाहिद में या जमा जो मोस्टली जमा मुकसर होती है उसमें वो हरकात से शो हो रही होती है, ठीक है। अच्छा बहरहाल, ये तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी मोरब और मबनी की। अब आज जो हमारा टॉपिक है फेल में, पहले हम अस्मा को डिस्कस कर रहे थे, पूरी जो हमारी डिस्कशन थी अभी तक, आज हम फेल में एंटर हो रहे हैं, बे पार्ट सेकंड जो इसका है हमारा टॉपिक का, पहला था सारा अस्मा के बारे में, आज फेल में दाखिल हो रहे हैं। फेल में भी मावी जो है वो क्या है, मावी और अम्र मबनी है। शबाना माजी की गर्दान सुनाएंगे मुझे, दाखला से सुना दें। दाखला, जी दाखा शुरू से सारी, जी जी दाखला दाखला दाखलू, दाखलत जी दाखलता दाखला दाखला, ठीक है, खलना, ठीक है, दाखलत दाखलता दाखलता दाखल तुमा दाखल तुम जी दहलती दहलती दहल तुमा दहल तुन्ना ठीक है दहल तू दहलना। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फीकी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मुझे बताएं कि दखलता का क्या मतलब है? दहलता दखलता क्या मतलब है इसका?
नहीं जिसके साथ दहलता कह रही हो ना, दहलता दहलता हाँ, तूने वो मतलब उसको कह रहे हैं ना मुज़क्कर है, तूने किया मुज़क्कर वाहिद हाज़िर, बिल्कुल ठीक है, तूने किया, तू दाखिल हुआ, ठीक है, दखल था, तू एक मर्द दाखिल हुआ, ठीक है। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको देखिए दखलती या दखलत या कुछ भी करेंगे तो उसके तो मानी ही चेंज हो जाएंगे ना। तो फेले माजी में जो एक सीगा जिस तरह आ गया वो उसी तरह हमेशा रहता है, उसकी बिल्कुल हालत चेंज नहीं होती, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। जो मावरी के सीगे हैं सारे वो मबनी हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, क्योंकि जरा सा हम उसका हरकत चेंज करेंगे पूरे के पूरे मानी चेंज हो जाएंगे, वो कोई और सीगा बन जाएगा। एक सीगा अपनी हालत चेंज नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल द खाला, और जब हम बात कर रहे होते ना चेंज की, तो हम सिर्फ और सिर्फ आखिरी लेटर को देखते हैं, तो द खाला जो है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, इसको हम कहेंगे कि ये मबनी अलल फतहा है, ये मबनी अलल फतहा, क्योंकि इसमें हमेशा फतहा ही रहेगा, यानी दाखला इसका जो लाम कलिमा है ना उसपे हमेशा फतहा ही रहेगा, कोई भी वजन हो, वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है, ठीक है। अच्छा दाखला अगला है, उसमें भी वो मबनी अलल फतहा ही है, ठीक है। दखलू दखलू वो क्या है, मबनी अलल दम्मा दखलू। और मैंने आपसे कहा कि लास्ट वाला लेटर देखना है आपने, जो भी बताएंगी ना आप मुझे किस पर मबनी है वो आपने लास्ट वाला दखलू में देखिए वाव अलिफ का इजाफा हो रहा है, वो अलग है चीज, लेकिन जो रूट वर्ड है उस फेल का वो सब मर्द दाखिल हुए इसका ये होगा ना, तो उसका आपने लास्ट लेटर देखना है और उसपे आपने मुझे बताना है जो भी उसका एराब हुआ ना वही उस पर मबनी है, वो दखलू मबनी अलल दम्मा है, लाम पे दम्मा है वहां पे, ठीक है। अच्छा आगे जब हम आ जाते हैं दखलत, ये कौन सा सीगा और क्या मतलब है इसका, दखलत ये तो ये मौनस गायब है ना, बिल्कुल ठीक है, वो एक औरत दाखिल हुई, बिल्कुल ठीक है, वो एक औरत दाखिल हुई, ये किस पे मबनी है बताइए मुझे, ये इस पे नसब है ना, ये भी नसब, ये भी यानी मबनी अलल फतहा ही है, दखलत आप उसका आखिरी लेटर देखिए जो मादे का आखिरी लेटर है क्या है, वो सुकून है ना उसपे, नहीं कहाँ सुकून है, दखलत, मेरा दिल चाह रहा है कि वो मैं बुक खोल के गर्दान सामने खोल लूं, फिर शायद नहीं, दखलत जो ता है उसपे सुकून है ना, तो ता को नहीं देखना ना हमने, हमने जो रूट वर्ड का लास्ट लेटर है हमने उसको देखना है जी, ठीक, मतलब हमने ता को नहीं देखना, हमने जो रूट रूट लेटर कौन सा है लास्ट दाखला फेल में, नाम है, उसी को देखना है बस, हर सीगे में उसी को देखना है। अच्छा हाँ, जैसे फालू पे भी लाम पे दम्मा था, हाँ तो मैंने कहा मबनी अलल दम्मा है, ठीक है, दम्मा है, इस तरह बात कर रही हूँ, हाँ जी, तो ये फतहा है ना, हाँ जी फतहा है, ठीक है, मबनी अलल फतहा है। अच्छा दखलना का मानी बताइए, दखलना ये मतलब वो सब औरतें दाखिल हुई, बिल्कुल ठीक, वो सब औरतें दाखिल हुई, ये क्या है मबनी अलल बताइए, लाम पे सुकून है ना, बिल्कुल, तो मबनी अलल सुकून है, ये दखलना हमेशा दखलना ही रहेगा, ठीक है। मैं ये देखिए स्क्रीन नजर आ रही है, नहीं, हाँ जी आई है, हाँ जी, ये फेले माजी की गर्दान मैंने सामने खोल लिया, ठीक है, इसमें देखिए लाम कलिमा को हम देख रहे हैं, अब जैसे मैं कहूँ फ़अलता, ये देखें जो फ़अलता ये वाला है, ठीके? तो ये भी है मबनी अलस सुकून, मबनी अलस सुकून, क्योंकि लाम पे सुकून आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो फालता हमेशा फालता ही रहेगा, लाम पे हमेशा सुकून रहेगा, ठीक है। ये वाला बताइए फालतुमा, यानी
फालतुमा, वो मतलब जो औरतें हैं वो तुम दो औरतें दाखिल हुई। हाँ जी दखलतुमा बिल्कुल। तो ये यानी ये भी ये भी सुकून, ये मबनी अलल सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी इस तरह। तो मतलब ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं ठीक है। तो पूरी जो फेले माजी की गर्दन है वो पूरी क्या कहते हैं उसको, वो मबनी होती है ठीक है। जी नौरीन पूछिए बताइए। मुझे सवाल पूछना था कि जब हम वो देखो वो मेरे जहन से फौरन निकल गई वो चीज, जहाँ पे हम कह रहे होते हैं ना उससे पता चल रहा है, ता ती तू कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम कह रहे होते हैं कि उससे पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि मबनी जो है वो लाम और उसकी वजह से, यानी यहाँ पे हम लाम पे क्यों देख रहे हैं? वो तो उसकी सीगे की निशानी है ना, अलामतुल यानी तस्निया वाहिद जो भी उसका मुज़क्कर मौनस है वो उसकी अलामत ता होती है। जब हम कहते हैं ना ता फथा या ता सुकून के साथ या ती, ये तो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं जो ऐड हुए हुए हैं उस फ़ेल में उस सीगे को बनाने के लिए, लेकिन वो फ़ेल इटसेल्फ वो उसका लास्ट लेटर बताएगा। मैंने अभी ताजा ताजा शेख साहब का लेक्चर सुना था क्लास से पहले ठीक है, वरना शायद मुझे भी ये बात याद नहीं थी कि जब हम कहते हैं फथा सॉरी मबनी उसका वो कौन सा लेटर हम देख के कह रहे हैं, कि ये जो है ना ये तो अलामात है उसकी उसके उस सीगे की। मुजरद सलासी में सिर्फ देखेंगे हम। हाँ हाँ मुजरद सलासी मुजरद में जी ठीक है अच्छा। और बल्कि नौरीन एक और मैंने बात नोट की कि उसमें ना इसी लेसन को मैं सुन रही थी और एक पूरा पार्ट जो ना वो कटा हुआ था शायद एडिटिंग में, वो थोड़ा सा ना टीचिंग का भी पार्ट कट गया शेख साहब का, वो मैं सुनना चाह रही थी उस बात को। पार्ट ये तवाबे ये अलबदल के बारे में ना मैं सुनना चाह रही थी लेकिन इसमें वो आया नहीं, उधर से शेख साहब ने तवाबे शुरू किए हैं रिकॉर्डिंग में और साथ ही बस वो तवाबे की डेफिनेशन बताई है उन्होंने और आगे वो अफाल पे पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि वो एडिटिंग में शायद तो वो फिर उन्होंने नहीं डिस्कस किया होगा। नहीं नहीं उन्होंने किया नहीं होगा, और समटाइम्स ये होता है कि वो उधर जो है वो डिस्कनेक्ट करके नेक्स्ट क्लास में कहीं कर दिया होगा, पूरा टॉपिक नहीं एक साथ वो हो सकता। क्लास तो चल रही थी, क्लास तो चल रही थी अभी। हाँ वो फिर वो कोई वजह हुई होगी जो तवाबे छोड़ के उन्होंने दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया होगा, किसी ने सवाल पूछा होगा या कोई बीच में गलती की होगी तो वो वापस फिर मुराजिया कराने पे चले गए होंगे, इस तरह कुछ हुआ होगा। तो मुझे डेट और वो भेजना, मैं इंशाल्लाह मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी वो लिंक, आप खुद सुन के देखना जरा। जो ओरिजिनल है ना मैं वीडियो वो देखूंगी इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। वही है कि और दूसरा मैं ये कह रही थी कि अक्सर ये होता है कि कभी कभी ना शेख बात कर रहे होते हैं तो लोग बीच में बात काट के दूसरी बात शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त भी फिर शेख ये करते हैं कि जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं ना वो छोड़ के और फिर उस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। नहीं नहीं वो तो मुझे पता है लेकिन वो मैं अगला टॉपिक ये चाह रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि शायद तुम्हें इसलिए लगा होगा कि वो नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं क्योंकि मैंने बीच का वो सवाल या वो जो बात या गुफ्तगू हुई होगी ना वो मैंने काट दी होगी। मैं यही कह रही हूँ ना उस काटने में वो टॉप यानी मेन टॉपिक भी कट गया बदल का, मैं यही तो बता रही हूँ एडिटिंग में वो भी एडिट हो। हाँ मैं उसकी ओरिजिनल वो देख लूंगी। ठीक है इंशाल्लाह भेज देना इंशाल्लाह। ठीक है अच्छा। फ़ेलुल मादी तो हमने देख लिया कि वो हर तरह का उसका जो सीगा है कहाँ वो मबनी होता है, पूरी गर्दान वो मबनी होती है। और फ़ेलुल अमर, फ़ेलुल अमर बनता है फ़ेलुल मुदारे से ठीक है, और वो भी मबनी होता है लेकिन फ़ेलुल मुदारे इटसेल्फ जो है वो मुअरब होता है। शबाना आपको फ़ेलुल मुदारे की गर्दान याद हो गई है? नहीं अभी नहीं नहीं अभी नहीं की मैंने। ओ देखो फ़ेलुल मुदारे आ गया फिर इसमें, वो गर्दान जरूरी थी हमें चाहिए थी यहाँ पे उसकी। अच्छा लेकिन वैसे बताइए मुझे कि फ़ाला से फ़ेले मुदारे क्या बनता है? फ़ाला सिंपली मैं कहूँ फ़ाला से फ़ेले मुदारे बनाइए। जी गुलाम मुस्तफा साहब आप बताइए। यफ़अलु यफ़अलु बिल्कुल यफ़अलु ठीक है, फ़ेले मुदारे क्या बनता है यफ़अलु, ये कौन सी हालत है इसकी बताइए गुलाम मुस्तफा साहब। ये फ़ेल मुदारे है। हाँ जी 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 फ़ेल मुदारे मरफू होता है हमेशा ना। जी जी फ़ेलुल मुदारे मरफू होता है जी क्योंकि इसके ऊपर दम्मा आ गया ना यफ़अलु। दम्मा आ गया जी बिल्कुल, लाम के ऊपर दम्मा आ गया। ये मैंने गर्दान खोल भी लिया सामने स्क्रीन। यफ़अलु यफ़अलु ना
अफालो तफाला ने यफअलना ला ने क्यों कह रहे हैं तफाला ने क्यों कह रहे हैं तफालानी कहेंगे ना कि ने तो तब कहेंगे जब बड़ी ये की साउंड आएगी अरेबिक में कोई बड़ी ये नहीं होती ठीक है तफालानी पढ़ते हैं इसको बिल्कुल अब हम बात ये कर रहे हैं कि इसमें जब हम कह रहे हैं कि फ़ेलुल मुदारे मबनी नहीं होता बल्कि मुअरब होता है इसका क्या मतलब है गुलाम मुस्तफा साहब आपको ये बात समझ में आ रही है जी दोबारा सवाल करें जो बुक में लिखा हुआ है ना फ़ेलुल मुदारे बुक में अगर आप देखें फ़ेलुल मुदवल फ़ेलुल मुदारे मुअरबुन फ़ेलुल मुदारे मुअरब होता है जी जी इसकी इसकी समझ आ रही है आपको हाँ फ़ेल मुदारे इसलिए इसलिए मुअरब होता है क्योंकि उसकी हालतें बदली होती रहती हैं मसलन अराब की यानी हाँ जी अगर कभी लाम के ऊपर पेश भी आ सकता है फतह भी आ सकता है कसरा भी आ सकता है हाँ है कसरा भी आ सकता है नहीं दम्मा भी आ सकता है फतह भी आ सकता है जी दम्मा तो होता ही है ना नॉर्मल जैसे आपने कहा ये फालू नॉर्मल हालत में फेले मुदारे दम्मा के साथ ही होता है और उसको कहेंगे मरफू हालत में होता है ठीक है जी लेकिन कभी वो सुकून के साथ भी आ जाता है और कभी वो फतहा के साथ भी आ जाता है जर के साथ कभी भी नहीं आएगा कसरा कभी भी नहीं आता किसी फेल पे याद रखें जर जो है वो उसकी निशानी है इस्म की ठीक है ठीक है और जज्म जो है वो फेल की खसूसियात में से है यानी किसी इस्म पे कभी जज्म नहीं आ सकता और किसी फेल पे कभी कसरा नहीं आ सकता ठीक है दोबारा बताएं किसी इसम पे भी कसरा नहीं आ सकता कसरा नहीं आ सकता और किसी फेल पे कभी भी कसरा नहीं आ सकता और इसम पे कभी भी सुकून नहीं आ सकता यानी जज्म नहीं होता कभी भी किसी इसम पे ठीक है अच्छा तो देखें वल फ़ेलुल मुदारे स्क्रीन पे आपको अपनी बुक नजर आ रही है ना जो हमारी फिल फ़िल अफ़ाल वाली है वही पेज नजर आ रहा है ना जी जी अच्छा लिखा हुआ है कि जिस तरह हम बात करते हुए तो कहते हैं किताब वो तो हम कहते हैं लेकिन एक्चुअली होता नहीं है तो हमें इराब के साथ ही बोलना चाहिए उसको हाँ यानी वो स्टॉप करने के लिए हम उसको सुकून दे दें तो ठीक है लेकिन बेसिकली होता नहीं और आप गौर करें भी हम बात करते हुए कहते हैं तो शेख साहब कहते हैं पूरा बोले यानी वो चेक करना चाह रहे होते हैं उसको सही हरकत दे रहे हैं कि नहीं किताबू है या किताबा है या किताबी है क्या है क्योंकि उसी से तो मानी चेंज होते हैं वो शेख साहब हमें स्टॉप नहीं करने देते वो हमारी पूछते हैं कि क्या हरकत है इस पे ना वो कहते हैं सांस टूट गई यानी कि क्यों आपने उसको सुकून दिया इसीलिए तो हमें अरबिक मुश्किल लगती है हाँ सही है अगर ये ना हो तो फिर भी हम बोलना शुरू हो चुके हैं अभी तक तो वो यानी कभी भी सुकून नहीं होता इस्म पे वो या लाजिम किताबू किताबा किताबी होगा लाजिम जज़्म कभी भी नहीं होती जज़्म जो है वो खुसूसियातुल अफ़ाल में से है और जो जर है कसरा यानी वो खुसूसियातुल इस्म में से है जी इस फ़ेल पे कभी भी जर नहीं हो सकता ठीक है अच्छा बहरहाल ये हम जल्दी से देख लेते हैं वल फ़ेलुल मुदारे मुअरब इल्ला इज़ा तसलत बिही नूनुन नस्वा फयकूनु मबनियन आप ये गर्दान खुली हुई है मैंने अभी पूछा कि स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है मैंने बताया तो है कि गर्दान खुली हुई है वो नहीं है अच्छा मेरा माइक बंद था जब मैंने बताया ओके ठीक है फिर गर्दान खुली हुई तो अच्छी बात है इसी से हमने बात करनी है अब देखिए जब आपको पता है कुछ नवाज़िबुल मुबारे होते हैं और कुछ जवाज़िबुल मुबारे होते हैं गुलाम मुस्तफा साहब आपको पता है नहीं भी याद नहीं आ रहा मुझे अच्छा नसीम साहब आपको पता है जी जी बताइए अन लन कई इदन माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक अन ये क्या आपने बताया है अन लन कई ये क्या है जज़्म जवाज़िम है श्योर लन नस्बिर अला ताम वाहिदन पाक की आयत है ना
लन नस्बिरा, ये क्या है? लन ने फ़ेल मुदारे को क्या दिया? नसब दिया, नवासिब दिया, तो ये नवासिब हो गए ना। जी जी, आपने वो सीक्वेंस बिल्कुल ठीक बोला माशाल्लाह। अन लन कई इवन और हत्ता भी आता है इसमें, ठीक है जी। हत्ता ये जो है ये नवासिबुल मुदारे हम इनको कहते हैं, ये फेलुल मुदारे को हालत नसब में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फेलुल मुदारे जो कि फॉर एग्जांपल जैसे ये फालू हम कह रहे हैं, ये दम्मा की वजह से, ये दम्मा की वजह से ये हालत रफा में है, ऐसे ही है ना। फेलुल मुदारे मरफू होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे अवामिल दाखिल हो जाते हैं जिनकी वजह से ये हालत नसब में भी चला जाता है, फिर मबनी तो ना हुआ, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि फेलुल मुदारे मबनी नहीं होता, और कभी कभी ये हालत सुकून में भी चला जाता है जज्म की हालत में, ठीक है। वो कौन सी है? उसको हम जवाजुमुल मुदारे कहते हैं। वो कौन से हैं? लम, जी, लम, लम, लम्मा, लम्मा, उसके बाद और लाए नाहिया होता है, लाए नाहिया, जी जी, यानी फेलुल अम्र, और क्या होता है? लामुल, लामुल अम्र। मुझे नहीं पता ये लाए नाहिया और लामुल अम्र आप लोगों को पता है कि नहीं। जी जी, लाए नाहिया, लाए अम्र, हाँ, लामे अम्र, जी लामे अम्र क्या है नसीम साहब? लामे अम्र और लामे नाहिया, नाहिया तो यह है कि किसी चीज से मना करना, जैसे यफ़अलु ला यफ़अल, वो नहीं करेगा, नहीं नहीं कर। यफ़अलु तो हम कहेंगे ला यफ़अल, देखें वो नहीं करेगा। हाँ, ये बड़ा बारीक सा फर्क है यहाँ पे, देखें पहले आप अमर की वजाहत कीजिए, देखें पहले अमर का बताइए मुझे, जी जी, पहले पहले अमर बताइए, अमर लामे अमर यफालू है ना जी, इसे फेले अमर बनाइए, बन सकता है? जी जी, ये वो लामे ताकीद है ना, लामे ताकीद, वो लामे अमर, जैसे अगर हम कहेंगे कि ला या फाल वही नहीं हुआ, लामे अमर नहीं हुआ जो अभी इन्होंने कहा नसीम भाई ने, ला या फाल, वो तो नाहिया हो गया, वो तो रोक रहे हैं आप, नाहिया। चले मैं बताती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है थोड़ी सी। देखिए सबसे पहले तो एक बात नोट करें आप लोग कि फ़ेलुल अम्र जब हम कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाजिर के सीगों से बनता है, सही, ओके। जो ये छह सीगे हैं, ये जो ता से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ये छह सीगे सिर्फ इनसे बनता है फ़ेलुल अम्र, ठीक है। फ़ेलुल अम्र सिर्फ इन छह सीगों से बनता है, और उसके बनाने का तरीका क्या होता है, हमने अलामत मुदारे हटानी होती है कि ये ता हटा देंगे, और एंड पे जो ये दम्मा है इसको सुकून दे देंगे, ठीक है। और फिर जाहिर है ये पढ़ा ही नहीं जाएगा, जब अलामत मुदारे हटाएंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, कि फा तो जज्म है उस पे, हम एक अलिफ लगाते हैं यानी हमजा लगाते हैं और उस पे हरकत देते हैं। उसकी हरकत कैसे डिसाइड करते हैं, ये जो यानी हालत ये सुकून के बाद वाला जो आइन कलिमा है उसकी हरकत को देखते हुए, अगर इस पर फतहा या कसरा हो तो उस पर कसरा ही लगा देते हैं, ठीक है, और अगर इस पर दम्मा हो तो उस पर दम्मा लगा देते हैं। बात क्लियर है सबको? तो अभी ये क्या अफ़ाल बन जाएगा? ये इफ़ाल बनेगा नौरीन, क्यों? आइन के ऊपर तो वो है, हाँ, तो यही तो मैं बता रही हूँ कि आइन कलिमा पर फतहा या कसरा हो तो दोनों सूरतों में कसरा ही लगाना है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, और अगर दम्मा होगा तो फिर दम्मा लगाना है, ठीक है। ये तफालू से क्या बनेगा? फ़ाल, ठीक है, ये इफ़ाल बन गया। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि ये यानी सुकून की हालत में आ गया ना, जो लाम के ऊपर जो दम्मा था अब हमने उसको सुकून में बदल दिया है ना, हम कह रहे हैं इफ़ाल कर, ठीक है, इसलिए हम कह, अच्छा ये हमेशा, और फिर इसका बताइए मुझे पूरी गर्दान सुना दीजिए नसीम साहब, इफ़ाल और फिर ये क्या होगा, ये तफालानी का फ़ेल है, इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, अच्छा इफ़ाला आपने किया, ठीक है, तो ये नून किधर गया? नून गिर गया ना, नून गिर गया, क्यों? इज़ाफ़त की वजह से, इज़ाफ़त की वजह से, सॉरी सॉरी, ये नून इराबी है ना, नून इराबी है, बिल्कुल,
नून एराबी है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि हालत जो फेल अमर है, सॉरी फेल मुदारे, वो हालत रफा में है, तो इसका रफा इस नून से शो हो रहा है और इस नून को नून एराबी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बताया आपने, जब हमने इसको सुकून देना है तो गोया हम ये नून गिरा देते हैं, ठीक है, यानी वो यानी जहां पे हमने जिस तरह दम्मा इसका लाम का दम्मा हटा के उसको जज़्म दे दिया, इसका तो दम्मा है ही नहीं, इसका क्या करेंगे, इसका नून गिर जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से बिल्कुल शुरू में तो हमजा लगेगा कसरा के साथ, ये बन जाएगा इफ़ाला, इसका मतलब हो जाएगा तुम दोनों करो, ठीक है। जी नोरीन, इफ़ाला से ही तो जज़्म हो गया ना, नून हटा तो जज़्म आ गया। नहीं नहीं, जज़्म आ गया नहीं, वो मतलब हम उसको नहीं देखेंगे, हम इसका इसका देखिए, इसका नून हज़्फ होना इसके हालत जज़्म की निशानी है। मैं वही कह रही हूँ ना कि देखे जैसे ही नून हटा वो ऑटोमेटिकली जज़्म में आ गया। ठीक है, अब आगे आइए जरा, आगे आइए, सुने जरा, अब आगे आ जाइए। हाँ आगे आ जाइए, ये तफ़ालूना का फ़ेल अमर बनाइए, इफ़ालू, इसमें इसमें कौन सी हालत है नौरीन जी? ये भी क्या कह रही है, ये कौन सी हालत में फिर हम कहेंगे, जब हम कहेंगे इफ़ालू ये कौन सी हालत है? नहीं हालत नहीं, इस वक्त तो हम अमर की बात करें ना। हाँ, तो अमर में जज़्म आ गया। आप मुझे यहाँ पे क्यों कह रही थी कि फतह आ गया ऑटोमेटिकली? कहाँ, नहीं मैंने फतह नहीं, मैंने जज़्म ही कहा है। ओके सॉरी, जैसे ही नून हटेगा ऑटोमेटिकली जज़्म आ गया। ओके सही सही, मुझे लगा शायद फतह कह रही है आप। ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक है, जैसे ही नून हटा हालत यानी सुकून में आ गया, और यहाँ पे भी तफ़ालू इसका भी नून हट जाएगा। ठीक है आगे बोलिए नसीम साहब, तफ़ालीना का फ़ेल अमर क्या होता है? इफ़ाली, इफ़ाली, इसका भी नून हट गया, ठीक है ये नून हट गया तो इफ़ाली रह गया या आ गया। ठीक है आगे इफ़ाला, ठीक है ये वाला बताइए, इफ़ाला ही होगा इसमें भी, बिल्कुल ठीक है। और इसका इफ़ालना, इफ़ालना, इसका नून क्यों नहीं हटाया आपने? ये नून निस्वा है ना, निस्वा को कोई हटा नहीं सकता, निस्वा है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें कि पूरी गर्दान जो है वो यानी मौरब थी, सिर्फ जो यफ़अलना और तफ़अलना ये दोनों जो है ये नून निस्वा है, ये नून एराबी नहीं है और ये किसी हालत में भी नहीं गिरते। नौरीन मैंने यहाँ पर वो नसीम भाई को ये कहना था कि ना हुकूक नस्वा यूज करते हुए ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये ना कहें कि ये नून नस्वा है और इसको कोई नहीं हटा सकता, बल्कि आप इसको यूं कहें कि अल्लाह सुभाना ताला ने औरत का मकाम इतना बुलंद रखा है और इस कदर उसको इज्जत दी है कि अल्लाह सुभाना ताला नहीं चाहते कि किसी तरह भी औरतों को कोई डिस्टर्बेंस। तो देखें आपकी बात, अगर इसी तरह आप अपनी वाइफ को जाके कहेंगे तो वो आपसे कितनी मोहब्बत करेंगी, सोचें जरा। तो इस वजह से अल्फाज जो है ना वो इंसान के लिए, हाँ एग्जैक्टली, तो ये ना कहें इसको कोई गिरा नहीं सकता, क्यों नहीं गिरा सकते सारे, यानी औरतों के तो हुकूक नस्वा की मैंने उनकी इज्जत में कहा, ऐसी बात नहीं, आप गुस्सा ना करें, देखे मैं आपको पता है मैं गुस्सा गुस्सा कोई नहीं करती, मैं तो वैसे आपको बता रही हूँ कि अगर आप बता रही है हाँ, कि अल्फाज के बदल जाने से किस कदर यानी मवाक़े के अंदर या उस हालत के अंदर या उस माहौल के अंदर किस कदर खुश दिली और उसका वो समा पैदा हो जाता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ अल्फाज के चुनाव की वजह से, और मर्दों को इन चीजों का थोड़ा सा नहीं एहसास रहता, और वो शेख ने कह कह के ना तो बस हम औरतों को दीवारें ही बना दिया पकड़ के। अच्छा तो माशाल्लाह शेख की भड़ास आपने आज मेरे सामने निकाल दी। नहीं नहीं वो शेख के सामने भी निकाल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं शेख के सामने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा निकालती हूँ, आपके ऊपर तो आज पहली दफा निकल रही है। चलिए शुक्रिया, चले ठीक है। अच्छा वापिस आते हैं, अब हम टाइम थोड़ा सा रह गया हमारा, तो हम बात कर रहे थे। अच्छा फेलुल मुदारे तो हमने देखा कि वो कभी हालत सुकून में चला जाता है, कभी हालत नसब में आ जाता है, लेकिन जब फेलुल अमर बनेगा और हाजिर से बनेगा तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, इफ़ाल इफ़ाला इफ़ालू इफ़ाली इफ़ाला इफ़ालना, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, अब इसको आप नहीं हिला सकते, ठीक है। अब ये मबनी हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि फेलुल अमर भी मबनी है, फेलुल मादी भी मबनी है, लेकिन फेलुल मुदारे जो है वो मौरब है।
क्योंकि उसमें हम चेंज कर रहे हैं. कैसे चेंज कर रहे हैं कि अगर वो जैसे अभी इन्होंने बताया कि नवासिबुल मुदारे हैं का जो नसब दे देते हैं जैसे लन यफ़अल लन यफ़अला ऐसे बन जाएगा फिर, ठीक है. और अगर लम दाखिल हो जाए लम लम जो है वो जवाजिमुल मुबारे है लम यफ़अल ऐसे हो जाता है, ठीक है. उसके मानी भी हैं वो फिर और डिटेल में बात चली जाएगी, मैं उस चक्कर में भी नहीं जाना चाहती. जब हर लन दाखिल होता है तो क्या उससे फर्क पड़ता है, लम दाखिल होता है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. बहरहाल जो देखने में आ रहा एक पॉइंट मेरे ख्याल से मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ और वो किताब में ही में है कि फिर मदर पूरा जो है वो मुअरब नहीं है, इल्ला इज़ा तसल्लत बिही नूनुन निस्वा. बिल्कुल, अगर नूनुन निस्वा हो तो वो मबनी होगी ना, ये भी ऐड. बिल्कुल जी जी बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक. ये यफ़अलना और तफ़अलना ये दोनों मबनी है ना, जैसे अभी मैंने कह भी दिया कि ये दोनों मबनी है, बाकी पूरे जो यानी 14 में से 12 सीगे वो मुअरब है लेकिन ये दो सीगे मबनी है, ठीक है. इस तरह से पूरी फेले मदारे की गर्दान मुअरब नहीं है, ये दो सीगे मबनी है, ठीक है. अच्छा अब हम आते हैं, ये तो हमने फेलुल अमर की बात कर ली ना, हाजिर के 6 सीगों से बनता है. अब हम बात करते हैं लामे अमर की, मैं बात कर रही थी. अब लामे अमर ये होता है अगर किसी गायब को हमने हुक्म देना हो, ये तो हाजिर को तो हमने हुक्म दे दिया ना, हम कह रहे हैं कि इफ़अल तू कर, वो सामने है हमारे, हमने उसको कहा कि तू कर. लेकिन अगर गायब को हुक्म देना हो फिर ना एक लाम लगाना पड़ता है, छोटा सा लाम, लेटर लाम, ठीक है. और क्या करते हैं हम एंड पे सुकून दे देते हैं, जैसे फेले अमर बनाते हुए सुकून दिया था ना, इसी तरह उसमें भी सुकून दे देंगे. और फर्क क्या है कि इसमें हम अलामत मुदारे भी गिराते हैं, उसमें हम अलामत मुदारे नहीं गिराते. और मैं मिसाल उसकी आपको दूंगी, वो इस तरह बन जाएगा लियफ़अल. एग्जाम्पल मैं इसके साथ अगर आपसे कहूँ, ठीक है, ये देखें यफ़अलु है ना, वो करता है, ठीक है. अगर मैंने इसको लामे अमर देना है तो ये क्या बन जाएगा, लियफ़अल, एंड पे सुकून दे दिया जो कि हम अमर में वैसे भी देते हैं, और शुरू में ला लगा दिया क्योंकि ये गायब के सीगों को हम अमर दे रहे हैं, गायब के सीगों को हुक्म दे रहे हैं, ठीक है. तो क्या बन जाएगा, लियफ़अल. और उसका तर्जमा फिर हम कैसे करते हैं, उसका तर्जमा हम करते हैं उससे चाहिए कि वो करे, इस तरह से फिर उसका तर्जमा होता है. और उसको हम लामे अमर कहते हैं, वो भी फेलुल मुदारे को सुकून दे देता है, वो जवाजमुल मुदारे में आता है, ठीक है. नसीम साहब आपने बड़े अच्छे मुझे जवाजमुल मुदारे बताए थे, तो आप लम और लम्मा बता के रुक गए थे, ठीक है. तो अब तीसरा क्या ऐड हो गया हमारे पास, लामुल अम्र. लामे अम्र और लाए नहीं. हाँ, अब लाए नहीं क्या है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने किसी काम के करने का हुक्म देना है तो हमने उसको सुकून देना ना एंड पे इफ़अल. लेकिन अगर हमने किसी काम से मना करना है, जी एक मिनट, ये लियफ़अल आपने किया ना तो ये सिर्फ गायब के सीगों में आएगा. बिल्कुल, क्योंकि नजमा क्योंकि हाजिर के सीगों में तो हम कैसे हुक्म दे रहे हैं, वो तो अभी हमने प्रैक्टिस कर ली ना कि जब गायब के सीगों को हुक्म देना होगा तो उसकी अलामत मुदारे हटा देते हैं और हमज़ातुल वसल लगा देते हैं, ठीक है. इस मतलब ये 6 सीगे ये इनके लिए गायब के, और अब ये वाले भी ये मुतकल्लिम के 2 सीगे भी. अच्छा ठीक है, गायब के और मुतकल्लिम के के लिए लामे अमर लगता है, ठीक है. और बाकी जो हाजिर के सीगे हैं उनसे वैसे ही फेले अमर बन जाता है. लेकिन जो कॉमन चीज है वो ये है कि दो हर सूरत में चाहे लामे अमर लगा के बनाए या वैसे फेले अमर बनाए या फेले नहीं बनाए, तीनों सूरतों में जो है ना वो सुकून की हालत में आ जाता है, फेलुल मुदारे दवाजिम में से आ जाता है, ठीक है, जज्म आ जाती है उस पे. अब फेले नहीं भी कर लेते हैं, फेले नहीं क्या होता है, वो सारे सीगों के साथ लग सकता है. जैसे हम कह रहे थे ना कि फेले अमर जो है वो सिर्फ हाजिर के सीगों से बनता है, लेकिन फेले नहीं जो है वो सारे सीगों से बन सकता है, ठीक है. और उसमें क्या करना होता है कि उसमें भी अलामत मुदारे नहीं हटाते, सिर्फ लाम अली फला शुरू में लगा देते हैं, ठीक है, और एंड पे सुकून दे देते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ला यफ़अल वो ना करे, ला तफ़अल तू मत कर, ला तफ़अली इन किसी एक औरत को कहा जा रहा है कि तुम मत करो. क्लियर है ये बात. इसमें ना बहुत थोड़ा सा फर्क रह जाता है. अगर देखें जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख एक मिनट बता दूं, जैसे देखिए लाम अलिफ ला है ना, ये सिर्फ लाम है जी. मैंने कहा मुझे बात समझ आ रही है, लाए नाहिया है वो तो लाम अलिफ पूरी है ना, और हाँ जो ये वाली लामे अमर है वो सिर्फ लाम है. स्क्रीन पे ये मैंने ला लगा दिया,
नौरीन हाँ जी वो आ गई समझ। मैं ये पूछूं ये नंबर मुझे समझ नहीं आ रहे 1 2 3। हाँ ये छोड़ दें आप नंबर को, फिर 4। वो उन्होंने ना जो जिन्होंने बुक लिखी हुई उन्होंने अपने गर्दान को याद करने के सहूलत के लिए उन्होंने कहा कि पहले इन तीनों को चार याद कर ले, अफालू यफालू तफालू नफालू अफालू, है ना वो जो सॉरी ए की जो पैटर्न ये कितनी जल्दी से मूव कर जाती है सॉरी जैसे 6 7 और 8 जो है वो एक ही चीज है तफलाने या फलाने इस तरह करके ना। अच्छा तो मैं बस उसी में गुम हो गई थी जरा। जी तो मैं ये बता रही थी एक मिनट। 9 या फलानी तफलानी 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 यफ तो अलग है इसमें बाकी थी नहीं जैसे उसने एक वाहिद गायब का दिया है एक वाहिद हाजिर का दिया है ऐसे याद करने बोला है हम लोग ने ऐसे याद किया। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी वो मतलब अपनी मर्जी से जिसको जैसे याद करना करे ना। हाँ वो कोई मसला नहीं है वो नंबर्स का कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं जो बात बताना चाह रही थी हल्का सा जो डिफरेंस है वो सबको अच्छी तरह याद रखना चाहिए वो मैं ये बताने लगी थी कि देखिये लाम अलिफ ला अगर लगेगा ठीक है लाम अलिफ ला लगा के अगर हम इसको सुकून दे देंगे ना ये देखें जो ये देखें इसको सुकून दे दिया मैंने ठीक है जज़्म इसको मैंने सुकून बना दिया। अब हम इसको क्या पढ़ रहे हैं ला तफ़अल इसका तर्जमा हम कर रहे हैं तू मत कर हुक्म दिया जा रहा है ना करने का ठीक है ला तफ़अल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ू ला तफ़अलू जी ला तफ़अलू क्या ये ठीक है या गलत है भी बता दे यानी वॉलंटियर। गलत 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 तो और बताए नसीम साहब ये भी ठीक है ठीक है ये गलत कैसे ला तफाल मत करो नहीं नहीं ला तफाल नहीं नहीं ला तफाल नहीं करता है हो जाएगा ना तुम नहीं करते हो एक हुक्मिया हो जाएगा और एक नॉर्मल मना करना वो हो जाएगा फेले मुदारे नाफिया उसको कहते हैं। देखिए एक है नाफिया यानी नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते जैसे जिसमें डज नॉट ही डज नॉट डू इट राइट वो जो ला तफालू वो फेले अमर नाफिया हो जाएगा और उसका तर्जमा होगा तुम नहीं करते हो वो भी ठीक होगा ठीक है गुलाम मुस्तफा साहब वो भी ठीक होगा लेकिन उसका तर्जमा आपने गलत कर दिया था। ला तफालू का मतलब होगा तुम नहीं करते हो नॉर्मल फेले मुदारे लेकिन उसको मनफी बनाया हुआ है सिर्फ। लेकिन अगर हम इसको सुकून दे दें ठीक है यहाँ पे सिर्फ ये देखे दम्मा और सुकून के डिफरेंस से मानी फर्क हो जाए ला तफ़अल जो है ना ये फेले नहीं बन जाएगा और इसको हम लाए इसी वजह से हम इसको लाए नाहिया कह रहे हैं। मैं इसको नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ लाए नाहिया नून और जो इस तरह वाला हा लगा के ठीक है नाहिया बड़ी गंदी सी राइटिंग आ रही है बहरहाल लाए अच्छा, नाहिया किसका कह रही है आपने कहा मुतकल्लम का भी जो है मुतकल्लम के सिगे में भी लाज ऐसी लगेगा ना नहीं वो मैंने आप फेले नहीं का बताया था मैंने अजान शुरू होगी Thank you.
जी नौरीन, मेरे पास तो अजान खत्म हो गई है जी, बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी हो गई। मैं ये कहना चाह रही थी कि अब मुझे बहुत शिद्दत से इस चीज का एहसास हो रहा है कि वाकई लोग YouTube चैनल से बिल्कुल फायदा नहीं उठा रहे हमारे कोर्स वाले, बाकियों का मैं नहीं कह रही, क्योंकि आज देखो जो तुमने देखी वो सुनी तो मुझे पता चला कि कोई चीज इस तरह वापस मुड़ के, लेकिन अगर ही सब लोग शुरू से देख रहे होते हैं, अगर शुरू से सब लोग ये इसको करे होते तो एक तो फायदा तो हो ही रहा होता, इस तरह से कम अज कम चीज भी पूरी जा रही होती ना, उसमें जो गलतियां हो रही थी। मलिहा कभी कभी चेक करके मुझे बताती। नहीं, मैंने इंशाल्लाह प्लान बनाया कि मैं अपने ना स्केड्यूल में रखूंगी रूटीन से ना, इंशाल्लाह रिवीजन के लिए, मतलब इंशाल्लाह पीछे से जरूर मैं एक अपना टाइम टेबल बना के इंशाल्लाह करती हूँ उसको, क्योंकि हद से ज्यादा शर्मिंदगी हो गई, बस अब बहुत हो गया। अल्लाह सबको ऐसी शर्म, आमीन। आप मायूस ना हो, माशाल्लाह से हमारी इस क्लास से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि बात चीजें जब शेख के सामने हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें पूछने से डरते हैं कि शेख गाड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूछ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक खुशखबरी ये है, फिर वही बात है, मुझे शेख की बात याद आ गई कि पता नहीं लोगों ने फायदा नहीं उठाना, क्योंकि वो अजीज भाई जो है वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग भेज दें प्लीज, डेफिनेटली फिर मुझे उनको अलग से मेल करनी पड़ती थी, और फिर फ्रिया ने भी एक दफा कहा, तो अब मैंने क्या किया कि मैं इसको भी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, जिसपे मैं मतलब अपनी बाकी वीडियोस करती हूँ ना अपलोड, इनको भी मैंने अपलोड कर दिया। मैं सारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अभी तक सारी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, तो वो भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। वही बात है कि शेख साहब के लेक्चर से किसी ने फायदा नहीं उठाया तो मेरे कहाँ उठाएंगे, लेकिन अगर किसी का दिल करे किसी की क्लास मिस हो जाए रिवीजन की तो वो वहां से देख सकता है, क्योंकि मलिहा भी मुझे बार बार पूछ रही थी कि फिर तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो ना, तो मैंने कहा हाँ मैं कर तो रही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर वही उनको भी मेल करना पड़ेगा, तो फिर मैंने उसको अपलोड कर दिया है। तो बहरहाल अच्छा, अब ये फाइनली बस इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है लाए नाहिया और लाए नाफिया, ठीक है, तो बहुत खफीफ सा इसमें फर्क रहेगा। लाए नाहिया क्या होगा कि वो मना किया जा रहा है किसी काम से, और वो होगा ला तफअल, रोका जा रहा है ना, हुक्म है, तो हुक्म के लिए तो हमने सुकून ही देना एंड पे। लेकिन लाए नाफिया क्या होगा कि सिंपली नफी बताई हो रही, किसी काम की नफी हो रही है, ला तफअलू तुम नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर होगी ये बात। ये तो फिर नवासिब, ये तो फिर जवाजिम में नहीं आएगा ना, कौन सा लाए नाफिया, लाए नाफिया ये जवाजिम में क्यों नहीं, नहीं क्यों नहीं, ला तफअल जब हम कह रहे हैं तो क्या हम जज्म नहीं दे रहे इसको, जी बिल्कुल नाफिया नहीं आएगा, नहीं लाए नाफिया नहीं आएगा, लाए नाहिया सिर्फ यही आएगा, ठीक है, लाए नाफिया भी ऐड कर रहे हो, नहीं 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 मैं सिर्फ वो फर्क बता रही थी। अच्छा मैं ये पूछी थी, अभी नजमा ने भी पूछा था, मेरे जहन में भी आ रहा है कि जब आपने अफालू के साथ लाए नाफिया लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो उसी तरह रहेगा नौरीन, ला अफालू, देखिए नाफिया अगर आप कह रही है ना तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ ला लगता है शुरू में, नथिंग एल्स, ला अफालू मैं नहीं करती हूँ, पूरा तर्जुमा आएगा, ठीक है नौरीन, लाए नाफिया में कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ ला लगता है शुरू में, फेल में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन नाहिया में तब्दीली आती है जब ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के लिए एंड पे सुकून देना पड़ेगा, जैसे फेले अमर में सुकून देते हैं, ठीक है, चाहे फेले अमर नॉर्मल हो, चाहे ली लगा के फेले अमर बना हो, चाहे लाए नाहिया हो, तीनों सूरतों में फेले जो फेले मुदारे है ना वो एंड पे सुकून लेगा, ठीक है, यानी इजलिस बैठ जाओ, ला तजलिस मत बैठो, ठीक है, और यानी और क्या है, ला तजलिसो नहीं बैठता है या नहीं बैठेगा, हाँ जी बिल्कुल, और ली यजलिस अगर मैं कह रही हूँ, ली यजलिस उसका क्या मतलब है, उसे बैठना चाहिए, उसे बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने गायब के सीगे के साथ लगाया और ली लगा दिया, तो ये मैंने लामे अमर लगा दिया, बिल्कुल ठीक है, नसीम साहब ने जवाब दिया ना, अच्छा तो उसे बैठना चाहिए था तो नहीं ना आएगा, बैठना चाहिए, उसे बैठना चाहिए, हाँ यानी माजी के उसमें नहीं जाएगा, नहीं, नहीं। फ्यूचर हाँ। और प्रेजेंट में ही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका तर्जुमा ऐसे भी हो सकता है कि चाहिए कि वो बैठे,
हाँ बिल्कुल, इस तरह भी हो सकता है, उसे चाहिए कि वो बैठे, बिल्कुल सही। ठीक है, कुरान का तर्जुमा आम लैंग्वेज में नहीं होगा ना, उसे चाहिए कि वो बैठे। ये कुरान में अक्सर ऐसे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा। चलो कोई बात नहीं यार, यानी अपनी सहूलत के लिए बात समझनी है ना। ठीक है, चले अब ठीक है, मेरा ख्याल इतना ही था। अब वापस हम अगर चले जाए अपने बुक पर, बतरी भाइयों ने नमाज के लिए भी जाना होगा। शुरू करते अजान हो गई है, अजान जी वाइंड अप कर दे, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। बाकी इसको याद रखिए सबको, दोबारा से करो भाई। एक अभी जो आपने दो तीन बातें इकट्ठा कर दी ना, तो मैं जरा वो अभी लाम अमर का बताओ जरा दोबारा से, और लाम नहीं और ना लाम नाफिया। नौरीन बताएगी, नौरीन बताओ। अल्लाह खैर करे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, देखें जो लाम 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 है ना, ये इसके अंदर सबसे पहले तो जिस तरह अमर में अगर हम देखते हैं, जब हम अमर के लिए लगाएंगे तो उसमें जो आपने एक तो सिंपल अमर वाला तो नहीं, सिर्फ लाम वाला बताना है ना नजमा, तीनों लाम वाले बताने हैं ना। अच्छा मैं एक मिनट मैं रिपीट करती हूँ जो मैंने लिखा है और जो मैंने समझा है। नहीं नहीं, पहले मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, सिर्फ लाम वाले बताने हैं ना, लामे नाहिया, लामे नाफिया और लामे, तीनों इकट्ठा जो बाद में बोले लामे अमर ना, लामे अमर बता दू। अच्छा देखें, उसके अंदर ये होगा जब लामे नाहिया है तो उसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा ना करो, है ये अमल की किस्म, लेकिन उसमें आप उसको कह रहे हैं कि ना करो, तो उसमें आप लगाएंगे ला और जो आखिर का रफा वो है जम्मा है उसको आप जज़म बना देंगे और आप उसे कहेंगे ला तफ़अल, तुम मत करो, आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं करो ऐसा। ठीक है, और लाए नाफिया जो है वो एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, अभी आपने बताया लाए नाहिया तो ये तमाम सीगों में बनेगा, पूरे 14 के 14 सीगों में बनेगा। हाँ, और सब में जहाँ पे भी वो बनेगा उसके अंदर वो आखिर में जज़म लग जाएगी और नून गिर जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और जो लाम नाफिया है उसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करता, आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करता, या मैं ऐसा नहीं करती, हम अपने बारे में बता रहे हैं या किसी के बारे में बता रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करते या वो ऐसा नहीं करते। तो नाहिया और नाफिया का फर्क ये है कि नाहिया के अंदर हम ऑर्डर दे रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, और नाफिया का फर्क ये है कि हम बता रहे होते हैं कि वो ऐसा करता ही नहीं है ऑलरेडी, या हम ऐसा नहीं करते, नफी करते हैं उसके उस काम की नफी करते हैं, हम नफी करते हैं हम। तो उसमें हम ला के साथ उस पे कोई एराब का फर्क नहीं आता और वो अपनी जगह पे ही जज़म रहता है, ला यफ़ालू, ला यफ़ालानी, ला यफ़ालूना, ला यफ़ालना, ला तफ़ालना, ला अफ़ालू, ला तफ़ालू, ला नफ़ालू, ला तफ़ालीना, यूं ही रहेगा। ठीक है, तो नाहिया के अंदर जज़म लग जाएगा इसलिए उसके अंदर ला तफ़ाला हो जाएगा, ला यफ़ाला हो जाएगा, ला यफ़ाल हो जाएगा, ला यफ़ाली हो जाएगा, ला यफ़ाल ना हो जाएगा, ला तफ़ाल ना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये नाहिया और नाफिया का फर्क हो गया। और जब ली लग जाता है, सिर्फ ली लगेगा तो उसकी और वो ली लगेगा सिर्फ गायब के सीगों में और मुतकल्लिम में। अच्छा एवी सी, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि वो तो पहले अमर का है ना नौरीन, तो अमर तो हमने कहा कि नॉर्मल जो हाजिर के सीगे है ना उससे तो हम नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। सही 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 सही। तो गायब के सीगों से अगर बनाना है तब ली लगाना पड़ेगा उसको, फिर लामे अमर कहते हैं। ठीक है, जब आपने सामने वाले को हुक्म देना है और वो आपके सामने मौजूद नहीं है बल्कि वो गायब है या मुतकल्लिम है, हाँ जी, तो फिर आप ली लगा देते हैं और उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड पे सुकून देना है। हाँ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको ये या हटाना है ना ता हटाना है, लेकिन सिर्फ आखिर में जज़्म। और मैं अगर आपकी सहूलत के लिए आपको बताऊं कि अगर हम जरा दुआओं पे गौर करें ना, जैसे मैं अपने मैंने बाकी क्लास को भी बताया था कि जब हम जैसे कुरान पाक पढ़ते हुए कभी मोमिनों की आयात आती है, हम कहते हैं रब्बाना रब्बाना जअलना, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें इसमें से बना दे। उसमें ता होता है, उसमें अलामत मुदारे होती है, हम कहते हैं अल्लाह ऐसे ना कर, राइट, ऐसे ना करना।
वो जो यानी मना करने का होता है ना, रबना ला तुज़िग़, देखिए गैन पे हमने सुकून दिया हुआ है आखिरी लेटर पे, अलामत मुदारे उधर ही है, इसका मतलब है कि ये फेले नहीं है, यानी वही बात है रिक्वेस्ट करना, या क्योंकि हुक्म में भी तो ऐसे होता है ना, या रिक्वेस्ट होती है या दुआ होती है या है ना, बिल्कुल ये बहुत आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं फिर दुआओं से भी, ठीक है, ये रूल जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अगर कोई यानी जहन्नुम की आयत है या यानी काफिरों की आयत है तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअलना, ला तजअल तजअल है ना, सुकून आ गया लाम पे, जज्म आ गया ला तजअल, और उन्होंने ना लगा दिया एंड पे, तो इसका मतलब है हमें हमें ना बनाना, और अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें से बनाना, तो ये दुआओं से ना मुझे मैंने याद रखा था शुरू में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही याद रह गया, लेकिन शुरू में मैंने इससे हेल्प ली थी, कंफ्यूजन होती थी, ठीक है, अच्छी टिप है अल्हम्दुलिल्लाह। और नरीन को ये कहना था कि आप मायूस ना हो, मैं भी सुनती हूँ लेकिन फिर भूल जाती हूँ, एक काम है अल्लाह ताला एक नजमा को, एक मलिहा को और एक अस्मा को, ये तीनों रेगुलरली अल्हम्दुलिल्लाह देखते भी हैं और कभी कभार लाइक भी कर देते हैं, और मैं यही कह रही थी कि अगर आप खोलें नजमा तो फिर लाइक भी जरूर करें, मतलब आई थिंक इट डिजर्व्स, आप लोगों ने देखा है, मैं तो जरूर, मैं वही कह रही हूँ, एक नजमा और ये अस्मा है जो बेचारे ये तो सुन लेती है, अस्मा तो शायद इतना सुनती नहीं है लेकिन वो लाइक जरूर कर देती है, ये मुझे बताएं कि हम लोग जैसे सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि हमने, मतलब आपको नजर आता है कि हमने देखा है, हाँ सारे वो आ रहे होते हैं ना कि कितने लोगों ने किया, नहीं नौरीन ये तो आ रहा होता है कि कितने लोगों ने किया लाइक किया, कितने लोगों ने देखा, लेकिन क्या नाम भी आ रहा था कि किस किसने लाइक किया, मैं उसको क्लिक करूंगी तो वो भी आएंगे, अच्छा एरिया भी पता चल जाता है, सब कुछ पता चल, वो तो स्टैटिस्टिक्स का टाइम ही नहीं भी पता चल जाता है कि यानी ये वीडियो ओपन हुई है और कितनी सुनी गई है, कहाँ तक सुनी गई है कि नहीं सुनी गई, मेरे लिए दुआ करें, मैं जितनी मेहनत करती हूँ इतनी कोई और कर रहा होता ना तो वो पता नहीं क्या कुछ कर, पीएचडी कर जाता, रिकॉर्डिंग बंद करूं भाई, अल्लाह ने जिसके लिए जो लिखा है